जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपियो में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मुख्य बुनियादी सुविधाओं और 5 मुख्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री मंगत राम की अध्यक्षता में उपायुक्त किन्नौर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। इस धरना प्रदर्शन में जिले के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री मंगत राम नेगी ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और आंगनवाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन, कार्यकर्ताओं को 18,000 व सहायिका को 9,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाए। नेगी भारतीय मजदूर संघ प्रदेश का महामंत्री आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय मजदूर संघ ने एक निर्णय किया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों महासंघ का जो महासंघ है वो सभी पूरे हिंदुस्तान में आज सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर जो है आज आंगनवाड़ी का एक धरना प्रदर्शन करके माननीय जिलाधीश के माध्यम से भारत सरकार को और संबंधित राज्य सरकारों के माननीय मुख्यमंत्रियों को इस तरह के आज जो है ज्ञापन दिए जाएंगे। उसमें हमने भारत सरकार से भी और प्रदेश सरकारों से मांग की है कि इनको प्री नर्सरी की जो क्लासेज हैं उसके लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों को वो ही प्योरिटी के ऊपर रखा जाए। और मैं आपके प्रेस आपके माध्यम से भी ये बता देना चाहता हूँ कि आज अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने आंगनवाड़ी बहनों को ही प्री नर्सरी के लिए स्थान दिया है। मेरा सभी प्रदेश की सरकारों से एक विनम्र निवेदन है कि सभी प्रदेश की सरकारें आंगनवाड़ी की बहनों को उनके हक के लिए इस तरह का प्रोत्साहन दिए। और हमारी सभी प्रदेश सरकारों से एक विनम्र निवेदन है कि सभी आंगनवाड़ी की बहनों को जो भारत सरकार ने 18,000 का जो वेतनमान है और 9,000 रुपये हमारी जो सहायिकाएँ हैं उनके लिए भी दिया जाए। और आंगनवाड़ी की बहनों को सभी छुट्टियाँ जो सरकारी छुट्टियाँ होती हैं वो इनको नहीं मिलती हैं वो भी इनको दी जाए। इनको CL कैजुअल लीव भी दी जाए, NL भी दी जाए, मेडिकल लीव भी दी जाए। और इनको हमने भारत सरकार से बात की थी और प्रदेश का जो EPF बोर्ड है उसका मैं स्वयं एक प्रतिनिधि हूँ। हमने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि आंगनवाड़ी की बहनों का EPF कटना चाहिए और EPF बोर्ड ने जो इनका मंत्रालय है उसको चिट्ठी लिखी है और उनसे डाटा मांगा है। और उसके बाद बड़ी शर्म की बात है कि इनके मंत्रालय ने अभी तक वो जो है कोई भी इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई भी डाटा नहीं दिया और EPF बोर्ड को रिमाइंडर के तौर पर अभी 5-7 दिन पहले जो है रिमाइंडर भी किया था मगर अभी तक इनका जो सोया हुआ विभाग है वो बिल्कुल भी इसके बारे में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। मेरा डिपार्टमेंट से भी एक आग्रह रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी इनका डाटा भेज करके इनको EPF के दायरे में लाएं। मेरा प्रेस के माध्यम से हिमाचल सरकार से विनम्र निवेदन है कि इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, इनको न्यूनतम दिहाड़ी जो 18,000 दी जाए और जो हेल्पर्स है उनको 9,000 का वेतनमान दिया जाए और उसके बाद जो है इनको जो है प्री नर्सरी के लिए जो है नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर सभी आंगनवाड़ी की जो हमारे यहाँ किन्नौर जिला की रिकांगपियो की जो आई हैं मैं इनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आप सबका मीडिया का भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। किन्नौर से सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट।